जब हमारे देश में किसी कोने में किसी लड़की महिलाओं के साथ जब दुष्कर्म की घटनाएं घट जाती हैं तो बहुत सारे लोग अपने बयान देने लगते हैं, बेतुके बयान, विवादित बयान, बेवकूफाना बयान। कोई कहता है कि लड़कियों की शादी अगर 16 साल की उम्र में कर दी जाए तो हमारे देश में रेप की घटनाएं कम हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि 16 साल और 14 साल और 12 साल, फिर 10 साल, फिर 9 साल, फिर 6 साल बाद में पैदा होते ही सूप में हम वापस वही पुरानी बाल विवाह की प्रथा को शुरू करें। कई लोगों का कहना है कि जब से लड़कियां हॉट पैंट पहने लगी हैं, शॉर्ट पैंट पहने लगी हैं, स्कर्ट्स पहने लगी हैं या अश्लील कपड़े पहने लगी हैं, तब से इस देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब ऐसे लोगों से अगर ये पूछा जाए कि जो बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हो रही है उसके लिए कौन से कपड़े जिम्मेदार हैं, बस उनकी ये मानसिकता है कि लड़कियों को, बच्चियों को, महिलाओं को बंद दरवाजे के पीछे रखो, बंद खिड़कियों के पीछे रखो, पर्दे के अंदर रखो, बुरके के अंदर रखो। एक बीच में फतवा जारी हुआ था कि लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं देना चाहिए, अगर उनको मोबाइल फोन न दिया जाए तो देश में इस तरह दुष्कर्म की घटनाएं कम हो जाएंगी। इसका मतलब कि इसके लिए सीधे सीधे लड़कियों को जिम्मेदार माना गया था। अब ये लड़कियों को अगर हम मोबाइल फोन न दें, उससे महरूम रखें, दूर रखें, तो देश के जो विकास की मुख्य धारा है उससे उनको दूर रखना होगा। ये भी कोई काबिले तारीफ बयान नहीं है। कुछ ऐसे भी बेवकूफ तरह के बयान भी आए थे कि जब से लोग फास्ट फूड खाने लगे हैं, च्युइंगम चबाने लगे हैं, तब से मर्दों में सेक्स की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। इसको खुल के क्यों नहीं कहते कि जब से हमारे देश में नशीले पदार्थ के सेवन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होने लगी, लोग नशीले पदार्थों के सेवन के आदि बनने लगे हैं, तब से बलात्कार की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। इसलिए नशाबंदी या शराबबंदी के ऊपर खुल के बयान देना चाहिए, बट उसको लोग दबी जुबान बयान देते हैं। एक धार्मिक बाबा है जिन्होंने कहा था कि अगर इस तरह की कोई घटना घटने जा रही है तो लड़कियों को उस बंदे के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाना चाहिए कि भैया मेरी इज्जत बख्श दो, भैया भैया कहने से उसकी मानसिकता बदल जाएगी। अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूं कि लड़की को हाथ जोड़ने की या गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़े, लड़का पहले से ये मान के चले कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो इस तरह के दुष्कर्म की घटना घटने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, किसी ने कहा था कि लड़कियां लड़कों को फंसाने के लिए या महिलाएं मर्दों को फंसाने के लिए इस तरह के फर्जी रेप क्रिएट करती हैं। 90% रेप फर्जी होते हैं। अब ऐसे बयान पे मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अब क्या कहूँ इसमें, कहने की मेरी मतलब मैं कोई इस पे अपनी प्रतिक्रिया ही नहीं देना चाहता। लेकिन एक ऐसा बयान है जिस पे मैं थूकना चाहता हूँ। ऐसे बयान देने वाले का गाल अगर मेरे सामने लाया जाए तो उसके दोनों गाल में बजाना चाहता हूँ। वो बयान है कि इफ यू कांट प्रिवेंट रेप, इफ यू कांट प्रिवेंट रेप इंजॉय इट। ऐसे बयान पे मैं थूकता हूं। मैं सब क्यों कह रहा हूं, मैं सब सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस देश में इस तरह के दुष्कर्म की घटनाओं को रोकना है तो मेरी बात मानिए, बेटियों को बहादुर बनाओ और बेटों को समझदार। बेटियों को बहादुर बनाओ और बेटों को समझदार। जिस दिन हमारी बेटियां बहादुर बन जाएंगी, हमारे बेटे समझदार हो जाएंगे, इस देश में इस तरह की महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों के प्रति होने वाली दुष्कर्म की घटना में बहुत कमी आएगी।